जय हिंद दोस्तों ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है तो आज हम बात करने वाला हैं मध्य प्रदेश एन एच एम एम पी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में जिसका वैकेंसी निकल चुकी है आपका एज अगर 21 से 40 वर्ष के बीच है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना डाउट के अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो में रिप्लाई दिया जाएगा तो एक और बात बता दो इसमें भारत के आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो फ्रेंड बिना देरी के चलते हैं इस डिटेल्स को अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर पूछें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें आइकन भी दबा दें हर अपडेट सबसे पहले आप तक तो हम पहुंचा सकें तो फ्रेंड जैसे कि आपको डिस्प्ले पर आप दिख रहे होंगे कि ये आपको जो तारीख़ से निकला है जो इस भर्ती का डिटेल्स निकल चुका है 18 सितंबर 2020 से ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ये आपको नोटिफिकेशन जो जारी हुआ ये सात बजे जारी हो चुका है इसी के रिगार्डिंग में बात करते हैं एक एक डिटेल्स सारे आपको यहाँ हम दिखलाते चलते अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड ये हेल्थ जो ऑफिस की है जो आपको मध्य प्रदेश की है आपको डिस्प्ले पर देखकर पता लग गया होगा तो फ्रेंड हम बात करेंगे इसी के रिगार्डिंग इसी के रिगार्डिंग बात करते हुए हम बात करेंगे सबसे ये पहले कि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है आठ दस दो तो हज़ार बीस तक इसका अंतिम डेट है आपको इसका पेमेंट तो लग नहीं रहा है आपका कोई भी कैंडिडेट हो आपका पेमेंट नहीं लगने वाला है पेमेंट जीरो रुपये बस ओनली फॉर फॉर्म फिल करने में आपको जो डिटेल्स लगेंगे वो आपको फिल कर देना है अभी परीक्षा का डेट भी इशू नहीं हुआ है एडमिट कार्ड भी नहीं तो मैं बता दूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जैसे इसका कोई नया अपडेट आएगा तो आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं और आगे की डिटेल्स इकट्ठा कर, कर जो एक एक दो दिख रहा है एज सीमा तो एक, एक दो को आपका इक्कीस साल पूर् जाना चाहिए और अधिकतम चालीस वर्ष जो एक दो हज़ार इक्कीस के चालीस साल तक ही रहना चाहिए अगर आप एमपी से हैं तो आपको वहाँ की जो छूट मिलती है ओबीसी जनरल और एस सी की वो आपको छूट मिलने वाली है टोटल पोस्टों की संख्या तीन हज़ार आठ सौ पोस्ट हैं और किस किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं ये आपको हम बता दें तो जैसे आपको जनरल कैंडिडेट यानी सामान्य वर्गों के लिए एक पोस्ट ई के लिए तीन अस्सी पोस्ट पिछले वर्ग के लिए एक हज़ार छब्बीस पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए छः सौ आठ पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए सात सौ सात पोस्ट साठ पोस्ट ठीक है और संपूर्ण के लिए आपको मतलब टोटल पोस्टों की संख्या कितना है तीन हज़ार आठ सौ पोस्ट हैं ठीक है ठीके? अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन आपको क्या कहे बी नर्सिंग डिग्री आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए बी नर्सिंग डिग्री होना चाहिए ठीक है और उसके बाद काउंसलिंग होगी पंजीयन होगा वो आपका सिलेक्शन उसी प्रकार होगा तो अब फ्रेंड अब बता दें आपको ऑनलाइन में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सबसे अच्छी बात बता दूँ आप इस पेज को स्क्रीन ले लें इतना भी आपको पेज दिख रहा है आप इसको स्क्रीन ले लें जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप इसको पूर्ण रूप से आपको एक एक चीज़ लिखा गया है क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स में लगेगा तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आपको डिटेल्स सारे मिल चुके होंगे कोई भी इसके बाद भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो कॉमेंट बॉक्स में लिख आप पूछ सकते हैं तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको दिखला दूँ यहाँ से लिंक अवेलेबल हो चुके हैं आप जैसे यहाँ आकर हमने जैसे लिंक क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा जैसे मैं आपको ओपन करके दिखला देता हूँ थोड़ी सी लेट हो रही है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ओपन हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना है आपको यहाँ से आकर पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है न्यू रजिस्ट्रेशन ठीक है न्यू रजिस्ट्रेशन पर आकर क्लिक करिएगा नेटवर्क स्लो कारण थोड़ा हमारा दिक्कत आ रहा है जैसे ओपन तो ये ओपन हो चुका है अब बात करते हैं इसमें क्या आपको डिटेल्स लगेगा साथ में ये हमको चलिए देखते हैं जैसे आपका यहाँ पूरा नाम ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर और आपको पासवर्ड बनाकर और इसको सबमिट कर देना है जैसे करेंगे तो उसको आपको फिर नया प्रोसेस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर और मेल एड्रेस पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा फिर आपको वहाँ से सबमिट करना है कहाँ से सबमिट आकर करना है मैं आपको ये भी दिखला देता हूँ फिर आप आइएगा और यहाँ आकर क्लिक करिएगा जैसे क्लिक करने के बाद आपको फिर से ये ओपन हो जाएगा और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो मोबाइल पर गया है और पासवर्ड जो आपने बनाए हैं और सिग्न करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं कोई भी दिक्कत हो तो इसके बाद आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं जब तक लिए जय हिंद दोस्तों बंदे मातरम आपका दिन शुभ हो